तो ये जो बात है ये 2 साल पुरानी बात है। उस टाइम मैं करीब 10th क्लास में था एंड उस टाइम मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले थे। तो एग्जाम ऊपर से आने वाले थे, तो हम पढ़ने में भी बहुत ज्यादा ही अच्छे थे, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे थे। एंड हमारे दोस्तों ने हमने डिसाइड किया क्यों ना थोड़ा बाहर घूमा जाए रात के लिए। और फिर के तुम्हारे भाई ने भी कहते हाँ भाई चलो अभी के अभी चलो। फिर गाइज हमारे जैसे स्कूल खत्म होता है फिर हम सब डिसाइड करते हमने करना क्या है, किसके घर में रहना है। जो मेरे दोस्त थे वो थोड़े बाहर से आए हुए थे, मतलब उनका घर यहाँ पे नहीं था एंड वो उनका यहाँ पे जो था वहाँ पे इन्होंने लिया था रूम किराए में, क्योंकि उनके पापा थे आर्मी में एंड आर्मी वालों के मतलब घर वाले जो पापा होंगे वो तो थे नहीं, मम्मी उनकी बाहर गई थी। और क्या, दोस्त का घर खाली था और क्या, हम चलेगा उसके घर में। और जैसे हम दोस्त के घर में पहुंचते हैं वहां पे थोड़ा बहुत प्लानिंग करते हैं चीटिंग की, कौन किस पेपर की चीटिंग लाएगा। एंड वहां पे थोड़ा बहुत हम ऐसे चिल वगैरह मारते हैं, खाने वाने के लाते हैं पिज्जा वगैरह। 10th का बच्चा इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या मंगा सकता है खाने को, नॉर्मली पिज्जा वगैरह लाए। एक तो ऊपर से सर्दी का महीना चला हुआ था, विंटर सीजन चला हुआ था एंड उस टाइम रात आपको पता ही है जल्दी हो जाती है एंड उस टाइम बजने वाले थे अप्रोक्स 7 बज गए थे। एंड मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वो मेरे साथ मेरे घर की साइड जाने वाला है, तो पता ही होगा पहाड़ी इलाकों में रात भी जल्दी होती है एंड वहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। मेन कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो मेरा घर था हम जहाँ पे हम मेरा स्कूल था वो वहाँ से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर दूर था एंड वहाँ से मेरे को 2 रास्ते थे मेरे घर की तरफ जाने के, एक था नदी की साइड से एक था पहाड़ की साइड से। अब मैं पूरी तरह से आपको समझा, जो पहला रास्ता था जो ऊपर पहाड़ की साइड से था, आपको पता ही होगा पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा डर रहता है एंड वही डर था। एंड गाइस आपको पता ही होगा 7-8 बजे इतनी ज्यादा रात हो जाती है एंड वो उस टाइम चला भी था ब्लैक मंथ, मतलब इतना ज्यादा अंधेरा होगा चांद की रोशनी होगी सिर्फ एंड तारे वारे कुछ नहीं थे। और उससे मेरे फटके और 4 हो गई थी एंड मेरे मोबाइल में वैसे बैटरी बहुत ज्यादा रही थी, हमने इतना ज्यादा खेला एक दो मेरे मोबाइल में वहां पे चार्जर भी नहीं लगा। और जो दूसरा रास्ता था वो था नीचे वाली नदी की तरफ से। गाइस वहां का रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान था, आपको मैं बताता हूं वहां से कोई भी रात के टाइम तो आता जाता नहीं होगा, बहुत मतलब लिटरली कोई भी नहीं जाता होगा, क्योंकि मैं आपको वहां का रास्ता समझाता हूं। वहां पे जो रास्ता था वो था नदी की साइड से, वहां पे जंगली जानवर तो आते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे, शायद 1-2 आते होंगे, वो भी वहां पे बहुत कम डरता, जंगली जानवरों से बहुत कम डरता, पर जिनसे जो डर था वो थे भूत और आत्माएं। अगर आप हंस रहे होंगे तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, वहां से जो रास्ता था वहां से आपको पहली बात तो वहां पे एक पीपल का पेड़ पड़ता था, आपको पता ही होगा पीपल के पेड़ की यहां पे कितनी अफवाहें फैली होती हैं एंड वहां पे बांस का पेड़ भी था, बैंबू का पेड़ की भी यहां पे बहुत अफवाहें हैं एंड वहां पे ये 2 चीजें तो ठीक है, ये 2 चीजें साथ में वहां पे उसी पेड़ मतलब जो बैंबू और जो पीपल का पेड़ है वहीं पे ही साथ में शमशान घाट था, जहां पे शमशान घाट अगर आपको नहीं पता जहां पे लोगों को जलाते हैं मुर्दों को जलाते हैं वो था। एंड वहां पे गाइस इतनी ज्यादा मतलब जो हॉरर होती है ना, जो हॉरर स्थिति होती है, मतलब एकदम खतरनाक सा माहौल, भैंस तो भाई फटके 4 हो जाए वो सीन था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरे दोस्त मेरे साथ है, मैंने उसको कहा चल भाई अब घर चलते हैं एंड उस भरोसे वाले ने इतना स्कैम किया ना मेरे साथ, कहता है भाई मैं थक गया हूं अब तू अकेला चले जा, बताओ उसको भाई उस पागल मानुष को बताओ मैं अकेला कैसे जाऊंगा। अब दोस्त बैठे बीच में वो तो बेइज्जती करेंगे भाई तू तेरी फट क्यों रही है, मैंने कहा चलो ठीक है अब मैं उनके घर से निकल गया, मैंने कहा चलो ठीक है अब तुम बात मत करना मैं जा रहा हूं सीधा घर, ऊपर से मेरे को घर से कॉल आ रही है जल्दी आ तू कहां मरा है, मैं चला गया सीधा घर। वैसे मेरा घर 2 किलोमीटर दूर था, नॉर्मली मैं चलते चलते टहल रहा था एंड जैसे ही मैं उन रास्तों के पास पहुंचने वाला था वहां पे जो होती है पोल्स की लाइट होती है, जो सरकारी लाइट होती है आज तक ठीक नहीं की जाती, उनके बल्ब फूटे हुए थे, आधी जगह लाइट नहीं थी अंधेरा था, मोबाइल की मैंने की थी फ्लैश लाइट ऑन एंड जो बाकी जगह जो लाइट थी वहां पे इतनी गंदी लाइट थी, साला मैं सोच रहा था लाइट ही क्यों है, वो इतनी गंदी ब्लिंक हो रही है वहां पे, मेरे फटके वो ही देख के 4 हो गए। मैं सोच रहा था ऊपर के रास्ते से तो जानवर मारते मेरे, नीचे से जा रहा हूं तो पता नहीं क्या मारे। और मैं भी जैसे तैसे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते थोड़ा आगे पहुंच गया, मेरे को वहां पे मेरे पीछे देखता हूं मैं वहां पे मेरे साथ एक कुत्ता आ गया, पर वहां से एक बात क्लियर होगी भाई कुत्ते सबसे ज्यादा भरोसे वाले होते हैं और दोस्त सबसे बड़े वो होते हैं, ठीक है। एंड मेरे साथ कुत्ता आ गया, मेरे को थोड़ा सा अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला यार कोई तो मेरे साथ चल रहा है आगे तक। एंड जैसे वो कुत्ता सामने चलता है वहां पे जो सीन और इंसिडेंट होता भाई वो तो मैं कभी भूलने नहीं वाला, मैं जैसे ही आगे जाता हूं एंड वो कुत्ता साथ में चलता है एंड वो भौंकने लग जाता है, मैं देखता हूं वो क्यों भौंक रहा है एंड जैसे मैं वो शमशान घाट और पीपल के पेड़ के नीचे आता हूँ, एक तो बैम्बू के पेड़ एक तो आवाज़ बहुत करते हैं हवाओं से, सर्दी का मौसम है हवाएं तो चलेगी, इतनी ज़्यादा आवाज़ करे कड़क 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 हो रही है आपको जैसे सुनाई दे रही होगी। एंड वहाँ पे जैसे वो कड़क 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 हो रही थी मैं पीपल का पेड़ देखता हूँ, वहाँ पे आप पता है लोग वहाँ पर पवित्र मानते हैं या फिर कुछ भूत भूत मानते हैं वहाँ पे वो जो होते हैं ना लाल लाल डोरे बंधी हुई थी, वहाँ से मेरी अलग सा कुछ सीन माहौल क्रिएट हो रहा था। एंड मैं जैसे शमशान घाट के पास पहुँचता हूँ सामने देखता पे सफेद सफेद सा कुछ लहरा रहा है एंड हवा चल रही है, मतलब लहरा रहा है ऐसे हवा में जैसे चलता नहीं है, मतलब वहां पे झाड़ी थी ऐसे सफेद सफेद कपड़ा इतनी तेजी से हिल रहा है, और फिर वो कपड़ा था या क्या था मतलब ऐसे राउंड मार रहा है एक तरह से वैसा दिख रहा था मेरे को। एंड मेरी उससे इतने फट गई एंड कुत्ता उसको देख के भौंक रहा है ऐसे, मतलब गुर्रा रहा है
एंड वहाँ पे एक अलग ही माहौल क्रिएट होता था। जैसे मेरे को उससे मेरी नेक्स्ट लेवल फट गई एंड मैं वहाँ पे थोड़ा सा एकदम ब्लिंक आउट हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा मैं एकदम बेहोश हो गया कह सकते हो, 2-3 मिनट के लिए मैं एटलीस्ट बेहोश हो गया। वैसे मेरी थोड़ी देर के बाद आंखें खुलती, मैं देखता हूँ यार मेरे सामने वो कुत्ता खड़ा है एंड उसके मुंह में वो सफेद कपड़ा है। मतलब वो कपड़ा नहीं था, वो एक तरह की बोरी सी थी ना, जो लंबी बोरियां होती है ना सफेद कलर की, वो उसके मुंह में थी। एंड बहन ता बोलू मैं, उसके मुंह में सफेद बोरी थी, मेरी बोरी देख के फट गए, चार हो गए एंड वहां पे बेहोश हो गया। मैं जल्दी जल्दी उठा वहां से, पहले इतना दौड़ के गया पीछे, भाई जो होने हो जाए, आधी तूफान आ जाए, मैं इतना दौड़ के सीधा घर में पहुंचा, सीधा भाई उड़ के गया। एंड उसके बाद मैं उस रास्ते से कभी गया भी नहीं, ना ही जाने वाला, पार्टी जाए दान भाई मैं नहीं जाने वाला आज के बाद ऐसे रास्तों से। एंड अगर आपको गाइस ऐसी कहानियां और चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना यार, मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानियां लाऊंगा। गाइस ये पहली बार मेरा कुछ न्यू ट्राई किया मैंने, इससे ज़्यादा मक्खन आपके लिए मिर्ची तड़का लगा के मैं कहानियां लाऊंगा। एंड आप बहुत सारे इंसिडेंट जानने चाहते हो मेरी लाइफ के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा यार, बहुत ज़्यादा ओपी से है मैंने, बहुत ज़्यादा कांड हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार पिलाई हुई है, आप सब वो जान रहे तो कमेंट में जरूर बताना एंड शेयर कर देना यार, आपको जरा सी भी पसंद आई होगी तो। थोड़ा यूनिक ट्राई किया मैं, काफ़ी दिनों से गाइस इनएक्टिव था बिकॉज मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना यार, तुम्हें लाइक नहीं कर रहे गाइस एंड व्यूज़ नहीं आ रहे, रीच डाउन चाहिए तो मैं इतना ही कहूँगा, आप शेयर कर देना एंड जितना उसके उतना कमेंट करो उतना ज़्यादा उसको, क्योंकि उसका रीच डाउन हो रहा है एंड वो थोड़ा बढ़ जाए। तो होप आपको पसंद आया होगा, तो आप बता देना हमको कमेंट में ज़रूर करके। एंड नेक्स्ट आपको पार्ट चाहिए और अच्छे अच्छे तो बता देना, मैं एकदम से ओपी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस पे बोझ जैसा क्यों लगने लगा मेरे कंधों पे, पहले ऐसा टाइम आना भी एक सपना था, आज सोचूं ये टाइम क्यों देखा मैंने सपनों में, थक गया हूं मैं प्रूव कर करके, देयर आई कैन फकिंग रैप मिले व्यूज मर मर के ये।